देखिए कुछ डॉक्टर्स उसको एडवाइस करते हैं ओपन कराने की, क्योंकि वो कुछ चांसेस रहता है जैसे 30% 40% के केसेस में कि वो ओपन हो जाए। प्लस पेशेंट का एक माइंडसेट होता है, जब वो आता है तो उसको ऐसा लगता है कि फैलोपियन ट्यूब करने से तो वो नेचुरली कितने बार भी कंसीव कर सकता है और वो कोशिश कर सकता है, और अगर उसको IVF के लिए डायरेक्टली जाना पड़ेगा तो उसको लगता है कि वो मिनिमल हो जाएगा, मतलब वो टाइड अप हो जाएगा, IVF प्रोसीजर से ही वो टाइड अप हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल कंसेप्शन तो हो नहीं पाएगा। तो इस वजह से पेशेंट भी इस चीज़ को तैयार नहीं होता है एक्सेप्ट करने के लिए। और क्या होता है कि जब कोई बंदा उसको दिखाता है कि नहीं तुम्हारा 20% 30% ही चांस है, तो वो सोचता है कि इसको हम ट्रायल ले लें, लेकिन जब वो करा लेता है तब उसको पता चलता है कि नहीं ये तो और बुरी कंडीशन थी, बिकॉज ट्यूब खुल भी गई, हो सकता है इन्फेक्शन पड़ा हो अंदर। तो डॉक्टर अल्टीमेटली उसको बोलता है कि तुम IVF करा लो अब, तब पेशेंट को लगता है कि नहीं हमें तो बिना लैब हिस्ट्रो कराए ही हमें तो करा लेना चाहिए था IVF, लेकिन तब तो ऑलरेडी टाइम निकल चुका रहता है। तो ये और डॉक्टर्स को भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि अगर पेशेंट्स का डायरेक्टली IVF के लिए मीन्स, अगर पेशेंट को आपको लग रहा है कि हाइड्रोसैल्पिंग्स है या बहुत दिन से ब्लॉक्स पड़े हैं, साथ में इन्फेक्शन है, तो आपको लगता है कि ट्यूब की क्लिपिंग की ज़रूरत है, उसकी ट्यूब नॉन फंक्शनल है इसकी, तो उनको एडवाइज़ ही नहीं करना चाहिए कि इस पेशेंट को लैब हिस्ट्रो के लिए ज़रूरत है। उनको इस केसेस में उस पेशेंट को डायरेक्टली IVF स्पेशलिस्ट के पास भेज देना चाहिए, और जो पेशेंट्स हैं उनको भी अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो उनको डायरेक्टली IVF स्पेशलिस्ट से ही आके कॉन्टैक्ट करना चाहिए, रादर देन कि वो गायनोकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं और वहाँ से फिर रेफर होकर आ रहे हैं। बिकॉज पेशेंट्स के मन में भी कहीं एक डर होता है कि IVF स्पेशलिस्ट के पास आएंगे तो वो IVF कर देंगे, पर ऐसी ज़रूरी नहीं है। IVF स्पेशलिस्ट के पास आप आओगे तो ये चीज़ है कि उनको उस चीज़ की पूरी जानकारी है, तो आपको जो गाइडेंस मिलेगा वो प्रॉपर मिलेगा। अगर आपको लैब हिस्ट्रो की ज़रूरत होगी, जो कि बहुत ही रेयर पेशेंट्स में होती, तो आपको ज़रूर वो देंगे उसकी, पर अगर नहीं ज़रूरत होगी तो आपको IVF के लिए डायरेक्ट एडवाइस करेंगे।